हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो वेलकम टू माय चैनल दुप्पू ब्लॉग और दुप्पू फेसबुक पेज में स्वागत है। तो गाइस देख सकते हो, सुबह सुबह उठ के बेड को कर लिए क्लीन, उसके बाद नहा हो के कर लिए यहाँ पे पूजा देख सकते हो। उसके बाद फिर चले आए नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता में आज बनेगा मटर का घुघनी। तो घुघनी में ये नॉर्मल घुघनी खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें ज़्यादा हेवी मसाला अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम प्याज टमाटर कच्चा मिर्च काट लिए थे। काटने के बाद नमक हल्दी और मीट मसाला गरम मसाला ये सारा चीज़ और लाल मिर्च पाउडर ये सब चीज़ देके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी लहसुन तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके देके इसमें मिलाएंगे। और मसाला ज़्यादा पिसा हुआ नहीं खाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। और ये मटर जो है ऐसे ही ये गल जाता है तो ये पूरा गाढ़ा टाइप का होता है, तो ज़्यादा इसमें मसाला देने का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये घुघनी जो है सिंपल, मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, विश्वास करो। आप लोग एकदम इसी तरह से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें दे देंगे तेल। तो देख सकते हो तेल तेल दे के सारा कुछ को मिक्स कर लिए हैं और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है जो मुंह में पानी आ जा रहा है इस तरह से। तो और एक्चुअली में हम तो ऊपर से वॉइस दे रहे हैं, तो एक्चुअली में ये खाने में भी बहुत ज़्यादा यमी हुआ था, क्योंकि मेरी मासी जो है वो भी बोल रही थी बहुत अच्छा बना है आज का घुघनी, मेरी बेटी भी बोल रही थी और मेरे मेसू भी बोल रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। इतना तो कोई कोई चीज़ में ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता है, कम मसाला दीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कुकर बैठा दिए हैं गैस में और इसको थोड़ा सा भूजना है, ज़्यादा नहीं भूजेंगे क्योंकि इसमें कच्चा कुछ मसाला दिए नहीं है, सब पाउडर दिए हैं। तो पाउडर कोई भी सब्ज़ी में पाउडर यूज करने से, मसाला का पाउडर, तो वो सब्ज़ी ज़्यादा नहीं भूजा जाए। उसके बाद उधर गैस में मेरा हो रहा था, फिर आ गया है बारिश, तो बारिश भी स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद फिर हम नाश्ता खाए, सब कोई नाश्ता खाए। नाश्ता खाने के बाद थोड़ा देर बहुत ज़्यादा आराम किए, आराम करने के बाद फिर आ गए किचन में, देख सकते हो। तो इधर करेला बन रहा था मीसो के लिए और उधर आटा सान के रखे हैं, क्योंकि रोटी भी बनाना है दोपहर में, क्योंकि मीसो जो है वो मतलब तीनों चारों टाइम रोटी खाते हैं, क्योंकि वो शुगर पेशेंट है। और भात वो कभी कभी खाते हैं लेकिन ज़्यादा देर रोटी खाते हैं, तो उसके वजह से हमें उधर रोटी भी बनाना पड़ेगा। और इधर देख सकते हैं करेला को भूज रहे हैं, तो अभी भूजा हुआ नहीं हुआ है, लाल करके भूजना है। और इधर मेरा भिंडी भी जो है फ्राई हो गया था, थोड़ा सा ही किए थे, सिर्फ हस्बैंड जी खाएंगे तो इसलिए। तो इधर करेला होते रहेगा। तो फिर हम मासी से इधर बात कर रहे थे, दोनों गप कर रहे थे और यहाँ पे बना रहे थे हम रोटी, देख सकते हो। तो रोटी ज़्यादा नहीं बनाना है, बस 8 बनाने से ही होगा, क्योंकि दोपहर में मिसो खाएंगे और शाम में चाय पीते हैं, तो उनके साथ दोटो खाते हैं, तो ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 10 बनाने से हो जाएगा रोटी बनाना कंप्लीट। तो इधर देख सकते हो रोटी भी बनाना हम स्टार्ट कर लिए हैं और इधर बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, क्योंकि मासी पूरा भूल रही थी, क्योंकि बिल्ली सब जो है ना इतना ज़्यादा परेशान करता है, इतना ज़्यादा परेशान करता है, तो मासी मतलब गुस्सा कर रही थी, क्योंकि कुछ भी सामान छोड़ के जा रहे हैं ना, मुंह धर दे रहा है, तो वो कैसे खाएंगे, खाने से तो फिर मतलब नया बीमारी हो जाएगा। तो इसका बोलता है जो खाने देते हैं तो खाता नहीं है, जो मतलब रखेंगे उसमें मुंह धर देगा, तो हाँ ऐसे ही करता है लोग। तो इधर रोटी भी बन रहा है, इधर करेला को भी देख रहे हैं। तो करेला हो ही गया है फ्राई और थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो फिर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए वीडियो को कौन कौन देखते हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जो नए हैं तो वो पेज को भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा वीडियो आता है हमेशा, तो आप लोग देखो और हमें प्यार दो और हमें सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोग का प्यार
और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। आप लोग प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे, तभी मैं आगे बढ़ूँगी। तो इधर देख सकते हो बहुत सारा रोटी मेरा बन गया है और इधर करेला भी फ्राई हो गया है, तो करेला को हम उठा ले रहे हैं। तो करेला किसको नहीं खाना पसंद है ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं जो खाना पसंद करते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज हम करेला का बात बोलते हैं, करेला किसको खाना नहीं पसंद है वो कमेंट कीजिएगा। तो खाना भी चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा है, बट इतना कड़वा होता है ना, तो मेरे से तो नहीं खाया जाता है। तो आप लोग खाते हो कि नहीं ज़रूर कमेंट करके बताना। तो फिर इधर बनाना था आलू का भुजिया, तो मासी जो है 5 फोड़न दे रही थी क्योंकि उधर हम रोटी बना रहे थे, तो थोड़ा सा हमको हेल्प करके दे रही थी। ऐसे मासी हमको हेल्प करके देती है जब ज़्यादा काम रहता है, तो थोड़ा सा हेल्प कर देती है तो हमें भी आसान होता है। तो फिर और यहाँ पे तेल था, ख़त्म हो गया था, तो फिर डब्बा से यहाँ पे हम तेल दिए। तेल देने के बाद यहाँ पे अब आलू को, तेल थोड़ा हीट होगा तब आलू को काटे, काटा हुआ तो लंबा नहीं, देखना आलू परवल के सब्जी के तरह आलू को काटे थे। काटने के बाद देख सकते हो यहाँ पे उसको छोड़ दिए कढ़ाई में, तो ये आराम से होगा। तो इसमें फिर मसाला देना था, तो इसमें दिए थे प्याज, लहसुन, टमाटर। और जब ये भुजिया बना था ना गाइस, इतना ज़्यादा अच्छा लगा था खाने में। हम मतलब खाली आलू भुजिया ही खा रहे थे, बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। और बना था साग हम लोग का, तो देख सकते हो यहाँ पे खाना हम लोग का बन के हो गया है रेडी। चलिए हम लोग खाने के लिए, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं, बाय बाय।